दोस्तों, मैं सिम्पल हेजा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्या ये सच में हम इसके बारे में सिर्फ बात करते हैं या सच में उसको हमारी जिंदगी में उतारते भी हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये शहरों में तो फिर भी ये बात हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट ये वो, लेकिन क्या गाँव में और देहातों में और ऐसी जगह पे क्या ये सचमुच ऐसा हो रहा है? क्या इस चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं? क्या इस चीज़ में वाकई ही लड़कियों को बोझ ना मानकर उनको आगे बढ़ने की शिक्षा दी जा रही है? इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़की थी, जब उसका जन्म होने वाला था तो उसके घर में बहुत सारा जश्न मनाया जा रहा था। उसके रिश्तेदार और उसका आस पड़ोस सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके घर में लड़की का जन्म हुआ है तो वो सब रिश्तेदार उसको उसकी माँ को कोसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये जो लड़की है वो एक कुलक्षणी है और जो इसने अपनी जो एक बेटी को जन्म दिया है वो भी एक कुलक्षणी ही है। तो उन्होंने लड़की को जो अभी अभी पैदा ही हुई है उसको अलग अलग नाम दिए, कुलक्षणी, अपशगुनी और न जाने क्या क्या, और सब उसकी माँ को बुरा भला कह रहे थे, उस लड़की को कोस रहे थे और ये सब करते वो लोग अपने अपने घर चले गए। अब उसके घर वालों ने सोचा कि क्यों ना हम इस लड़की को मार दें, और ये सोच के उन्होंने उस लड़की को मारने के लिए जो कदम उठाया, तो इसी बीच उसकी माँ ने सबकी नजरों से बचाकर उस लड़की को एक अनाथालय में भेज दिया और ये सबको ये दिखाया कि वो लड़की मर गई है। लेकिन उसकी माँ रोज उसको मिलने आती, उसको दूध पिलाने आती, क्योंकि माँ थी और वो रह नहीं पाई। वो रोज बिना एक दिन भी छोड़े उसको मिलने आती, उसका हाल चाल जानने, उसको दूध पिलाने, उससे बातें करने आती और अपने घर पे यही बोलती थी कि वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक बार वो लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हुई तो उसकी माँ को वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग गया। जब वो वापस घर पहुँची तो घर में सवालों की बौछार हो रही थी कि वो इतना टाइम कहाँ लगा कर आई। तो उस औरत ने बोला कि वो अपनी सहेली के घर गई थी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं मानी और उसको बहुत ज़्यादा मारा गया और उसके बाद वो चुप करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और अगले दिन जब वो अपनी बेटी के पास पहुंचती है तो उसकी बेटी पूछती है कि उसको क्या हुआ है, उसको इतने जो उसकी बॉडी पे, जो उसके शरीर पे इतने निशान कैसे हैं, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती और वो रोते हुए वहाँ से वापस आ जाती है। लेकिन जो उसकी बेटी है, खून का रिश्ता है, उससे नहीं सहा जाता और वो अपने अनाथालय के जो जो उसके जो अध्यापक थे और जो उसकी देखरेख करने वाले थे वो उनसे पूछती है कि ये क्या था, ये क्या चल रहा है। तो अनाथालय वालों ने उसे बताया कि वो जब पैदा हुई थी तो उसको मारने की एक साजिश रची गई थी, पर उसकी माँ ने उसको बचा कर इस अनाथालय में उसको भेज दिया और वो रोज उससे मिलने आते हैं। ये सुनकर जो लड़की थी, वो छोटी बच्ची थी, उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है, उसको बहुत बुरा लगता है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि जो आज उसके साथ हुआ है वो अब किसी और के साथ नहीं होने देगी और वो सोच लेती है कि वो अब कुछ करके ही दिखाएगी। और वो ऐसा ही करती है, वो एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करती है और उसमें अपना जी जान लगा के उसको सीखती है और वो एक स्टेट लेवल की जो चैम्पियनशिप होती है उसमें जाती है और वहाँ पे एक जीत हासिल करती है। उसके बाद उसका पूरे देश में नाम हो जाता है। 2 महीने बाद उसको एक किसी और देश की महिला के साथ एक मैच करने का मौका मिलता है और वो पूरे मन से सोच लेती है कि उसको ये जीतना ही है और कुछ करके दिखाना है, क्योंकि वो अपने जो भी उसके साथ हुआ या जो भी उसके साथ, जो उसने सुना, जो भी उसके साथ हुआ, क्योंकि उसको वो चीज़ उससे सहन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो अपना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी उसके साथ ये सब हुआ और वो उससे अलग रह रही थी, तो वो ये कुछ करके दिखाना चाहती थी ताकि वो दूसरे लोगों को कुछ सिखा सके। तो ऐसा ही हुआ। शाम को उसकी माँ का फोन आता है कि उसने मीडिया में देखा है उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेकर और वो ये बोल रहे हैं कि कितनी भाग्यशाली है ये लड़की, इसके माँ बाप कितने भाग्यशाली होंगे जो ये इस स्तर पर पहुँच चुकी है ये लड़की और कितना अच्छा खेल रही है। तो ये सब सुनकर वो लड़की जो है वो बहुत रोती है, पर मन में एक रहता है कि उसको ये अब जीतना है और उसको ये अपने परिवार को भी दिखाना है। और उसकी माँ साहब में ये भी बोलती है कि तुम अपने परिवार की बुराई मीडिया के सामने बिल्कुल मत करना। यहाँ पे भी उसकी माँ अपने परिवार को बचा रही थी। ऐसा ही हुआ। 2 महीने के बाद जब चैंपियनशिप शुरू हुआ
तो उसने बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, सब लोग इकट्ठे हुए, तो इसका परिवार जो लड़की का था वो भी पहुंचा ये मैच देखने के लिए, और सब उसको एनकरेज कर रहे थे, उस लड़की को प्रोत्साहित कर रहे थे। तो वो लड़की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ढूंढ रही थी, और ऐसा ही हुआ, जैसे ही उसने अपने परिवार को देखा तो उसको एक बहुत अजीब सा एक गुस्सा जो उसके अंदर था वो फूट पड़ा, और उसने वो सारा जो था अपना वो जो गुस्से को अपनी शक्ति बनाकर उसने उस मैच को जीत लिया। अब सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे, मीडिया के लोग सब ने उसको घेर लिया था, और सब ने उनसे एक सवाल पूछा, तुम किस परिवार से हो, क्योंकि वो उसके माँ बाप से और उन सब के बारे में जानना चाहती थी मीडिया। तो इतनी देर में जो लड़की है उसने बताया कि वो तो बहुत पहले ही उसके परिवार ने उसको मारने की साजिश करी और अनाथालय में छोड़ दिया था, और उसने अपनी पूरी जो कहानी है वो मीडिया में बता दी। तो इतने में जब उसके परिवार ने ये सब देखा तो वो बहुत उसी समय उसके जो पापा थे वो दौड़ते हुए आए, उससे माफ़ी मांगी, उसको गले से लगाया और रोने लगे, और सारे परिवार ने उस लड़की से माफ़ी मांगी। और उसके पापा ने ये भी बोला कि ये मेरी बेटी है जिसने मुझे आज एक बाप होने का हक दिलाया है। इस पर लड़की बहुत खुश हुई, क्योंकि वो लड़की अपने पन से बहुत ज़्यादा वंचित थी, और उसके पापा ने ये भी बोला कि ये मेरी बेटी है और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भी इसके साथ करा मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख है, और मैं इससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और जब उसने ये सब बोला तो उस लड़की से भी रहा नहीं गया, उसने अपने बाप को अपने गले से लगा लिया और उनको माफ़ कर दिया, और अपनी जो जो भी गुस्सा था वो सब छोड़ दिया। तो दोस्तों जब उसने जन्म लिया तो वो एक कुलक्ष्मी थी, लेकिन जब उसने कुछ वो बन गई, कुछ प्राप्त कर लिया तो वो एक लक्ष्मी बन गई, और वो एक लड़की थी, फिर वो एक बेटी बन गई। तो मुझे लगता है दोस्तों, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप सबको भी ये चीज़ से सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों हमें लगता है कि हमें सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ताकि वो भी, क्योंकि अगर वो भी आगे बढ़ेगी और कुछ करके दिखाएगी, क्योंकि उनको जब ये मौका मिलेगा वो तभी कुछ करके दिखा पाएंगी। तो दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो ये भेदभाव जो हम करते हैं लड़के और लड़की में, तो वो हम ये बिल्कुल भी ना करें, और हर लड़की को आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि जब भी हम किसी को आगे बढ़ने का मौका देंगे तभी ही वो आगे बढ़ सकती है। तो इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपसे फिर से मिलूंगी, नमस्कार।